लखनऊ के बंदूकबाजों का साइकिल कनेक्शन। दरअसल बीती रात लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करने वाले बंदूकबाजों की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब दो की गिरफ्तारी हो चुकी है और बताया ये जा रहा था कि इनमें से एक फायरिंग करने वाला शख्स समाजवादी पार्टी का पूर्व सचिव रहा है। लखनऊ के बंदूकबाजों पर चला कानून का हंटर। खुलेआम गोलियां बरसाई, रईस जादों की श्यामत आई। बीच सड़क पर ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी बदमाशी, ऐसी जुर्रत, गाड़ियों का रेला है और रंगबाजों का जमावड़ा है। फिर बर्थडे पार्टी का जोश और रसूख सिर पर ऐसा सवार हुआ कि खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, वो भी कहां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लेकिन शायद ये रईस जादे भूल गए कि ये योगी राज है। यहां कानून को हाथ में लोगे तो कानून के चाबुक से नहीं बच पाओगे। देखिए, कल तक धाएं धाएं कर कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ये रईस जादे सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इनमें फायरिंग करने वाला एक शख्स नीरज सिंह, जबकि दूसरा वो बर्थडे बॉय मनीष तिवारी है, जिसके लिए जश्न में फायरिंग की गई। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया, जिसमें कुछ व्यक्ति पलासिया मॉल के सामने रोड पर बर्थडे मना रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें हवा में फायरिंग करते हुए दिख रहा है। इसमें तुरंत थाना सुशांत गोल्ड सिटी पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। इसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक नीरज सिंह जो हवा में फायर करते हुए दिख रहा है और एक मनीष तिवारी को अरेस्ट किया गया है, जिसका बर्थडे मनाया जा रहा था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। बीती रात जब लखनऊ के सुशांत कोल्ड सिटी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरों का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद बर्थडे बॉय और फायरिंग करने वाले शख्स की गिरफ्तारी। दिलचस्प तो ये है कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए, लेकिन अब कहा जाने लगा है कि फायरिंग करने वाला शख्स नीरज सिंह है, जो समाजवादी पार्टी का पूर्व सचिव रहा है। हालांकि एक्शन अपनी जगह है, लेकिन विधान परिषद चुनाव से पहले सामने आए इन तस्वीरों ने हड़कंप तो मचा ही दिया। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि वायरल हो रहा वीडियो 7 अप्रैल का है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।